दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने साल 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जगह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी उन दो दर्जन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी इस लिस्ट में इकलौते भारतीय नेता हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को भी जगह दी गई है। वहीं शाहीन बाग में प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में आई 82 साल की बिल्किस, जिन्हें लोग दादी भी बुलाते हैं, उन्हें भी 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। अपनी मैगजीन के लेख में टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा है जो किसे सबसे अधिक वोट मिले हैं। लोकतंत्र के कई पहलू हैं जिसमें जिन्होंने जीते हुए नेता को वोट नहीं दिया उनके हक की भी बात होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। वहीं टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपने लेख में कई तल्ख टिप्पणियां भी लिखी है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का डिवाइडर इन चीफ यानी प्रमुख विभाजनकारी बताया था। हालांकि टाइम्स ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक और आर्टिकल छापा था। दूसरे आर्टिकल का शीर्षक था, मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड, यानी मोदी ने भारत को इस तरह एकजुट किया है जितना दशकों में किसी प्रधानमंत्री नहीं किया। दरअसल टाइम मैगजीन की ओर से हर साल ये लिस्ट जारी की जाती है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया को प्रभावित करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।